ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बहुत अच्छी थी और बहुत ही ग्रिपिंग थी पूरी, और म्यूजिक बहुत अच्छा है, टोटल पैसा वसूल। थैंक यू। बहुत अच्छी थी एक्टिंग, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया एक्टिंग थी, स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, और जो एक्चुअल फैक्ट है जो आज के जो नॉर्मल ऑन द रैम फैशन शो के बारे में वो दिखाई मूवी में, और बहुत बढ़िया मूवी है। सब मुझे लगता है सबने ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। थैंक यू। क्या अच्छा लगा मूवी में? सबकी एक्टिंग अच्छी और म्यूजिक बहुत अच्छा है। 3 stars out of 5। मैंने कई फिल्में देखी हुई हैं, वो एक्टर तो बहुत अच्छा है ही है, और बेसिकली इस फिल्म में मुझे अच्छी क्या बात लगी, फैशन से रिलेटेड एक हर आदमी स्टार नहीं होता, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है, और नसीब की जरूरी होता है, नसीब का साथ तो होना ही चाहिए, बाकी उसके अपनी मेहनत लगन और तो साथ में सब आ ही जाता है। एक अकेला चला था कारवा लेकर, आदमी लोग जुड़ते गए, कारवा बनता चला गया, वही चीज इस फिल्म में दिखाई गई। फिल्म अच्छी है, एक पारिवारिक मनोरंजन है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा वो एक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म एक मैसेज देती है कि डू व्हाट यू वांट टू डू बट डू इट विद योर फुल कन्विंसिंग थॉट, सक्सेस जरूर मिलेगा। सॉन्ग सर अच्छे लगे हैं, दो गाने मैंने बहुत अच्छे लगे मुझे, एक तो रोमांटिक सॉन्ग है, और एक जो जिसमें ये लोग इकट्ठा होकर जब पूरा चक दे इंडिया याद आ गया मुझे। Ranvir Shorey is one of the best actors we have, and this is one of his finest performances he has ever given. Out of 5 stars? 4. और से सभी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और खासतौर पे हीरो हमारे रणवीर जी, बहुत अच्छा उन्होंने, उनका बहुत ही अच्छा रोल लगा, और स्टोरी फिल्म की लाजवाब है, क्योंकि फैशन वर्ल्ड को जितनी भी फिल्में अभी तक आई उनको देखा, और इस फिल्म को देखने के बाद में लगा कि स्ट्रगल्स के साथ काफ़ी न्याय इस फिल्म में दिखाया गया। 4। बड़ी लाइट है, इसमें कुछ वायलेंस नहीं है, कुछ भी मतलब फैशन इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक घरेलू पिक्चर ही है, और अच्छी दोस्ती आ रही है, अच्छी दिखाई है सब में, अच्छी ट्यूनिंग दिखाई है, जितनी भी मॉडल्स हैं, जितने भी इसमें कैरेक्टर्स ने काम किया है, तो मुझे लगता है सबको जाके देखनी चाहिए एक बार ही तो ये पिक्चर, और सपोर्ट करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को।